का बताओ, कहते कि लोगों को फिर डराओ। तो उसने कहा, बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं नाजायज तरीके से आया हूँ, मोहब्बत भी नहीं करते, नफरत भी करते हैं, डराने की भी कोशिश की, डरते भी नहीं है। तो फिर बुजुर्ग ने क्या कहा कि खुद भागो वरना लोग जूते मार के भगा देंगे। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आपने खौफ का हर तरीका इस्तेमाल किया, आपने जारी एफआईआर का हर तरीका इस्तेमाल किया, आपने लोगों को हरासा किया, इनके खाना को हरासा किया, लेकिन आप किसी को नहीं दबा सके। सुन लो, ये पाकिस्तानी कौम खुददार कौम है, अमरीकी साजिश के नतीजे में बनने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत को ये तस्लीम नहीं करते। ये पाकिस्तानी कौम ऑपरेशन रिजीम चेंज के अलाकारों को भी जानते हैं और सहूलत कारों को भी जानते हैं, ये इनका चेहरा पहचान चुके हैं। और मैं इनको बताता चलूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में जो तबाही आई वो तबाहकारियाँ रोजाना आपके सामने है कि महंगाई की एक लहर आई, लोगों के ऊपर जबरो सितम ढाने का एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हो आप, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, अगर अवाम का और कौम का नब्ज देखना है तो किसी शादी में शिरकत करो, किसी जनाजे पे चले जाओ।